हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जितनी रीडिंग आपसे मैच हो आपने रीडिंग को उतना ही लेना है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन के जो हैं वो क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर्सन पे फोकस कीजिए और अगर आप मुझसे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे जो है मुझे कांटेक्ट कर ले। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, इट्स टोटली फ्री। ओके, चलो देखते हैं पहला मैसेज क्या निकल के आया आपके पर्सन की तरफ से। ओके, व्हाई डोंट यू कम टू मी, आई कॉल यू बट यू डोंट अंडरस्टैंड। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, कम्युनिकेशन आपकी ब्लॉक है और आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको कॉल की हो, किसी अननोन नंबर से आपने अटेंड ना की हो, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उनसे क्यों नहीं बात कर रही या कर रहे। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। He is really miss you. Hurting you is the biggest regret. हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसका आपने बहुत माइंड किया हो और आपने उनको ब्लॉक कर दिया, उनसे बात करनी छोड़ दी हो, तो वो अब रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपको हर्ट करके। ओके, होप आप लोगों को कार्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हों। चले देखते हैं और क्या मैसेज निकल के आता है आपके लिए। लेट गो, हो सकता है कुछ चीज़ों को कह रही हूँ, कुछ चीज़ों को आपको कहना चाह रहे हैं कि आप लेट गो करें। हो सकता है आप बहुत उनसे एंग्री हैं, नाराज़ हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये नाराज़गी को दूर करें। ओके, किसी चीज़ को लेट गो करने को कह रहे हूँ। हो सकता है कोई ईगो इशू ना हो आप लोगों के दरमियान में। चले और देखते हैं। आई कैंट लिव विदाउट यू, आपके बगैर नहीं रह सकते। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपके बगैर नहीं रहना चाह रहे, नहीं रह सकते, सॉरी। और देखते हैं क्या मैसेज है। मिस यू, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, यादों में गुम हैं। और देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। I am obsessed with you. I cannot live without you. ये इंसान, ये बंदा, ये बंदी ये बहुत बैडली मिस कर रही है, कर रही है या कर रहे हैं आपको। आपकी कमी इन्हें बहुत महसूस हो रही है, चीज़ों पे रिग्रेट फील कर रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने आपको हर्ट दिया है। स्वीट होम, हो सकता है कोई मैरिड कपल ना देख रहे हैं और वो हस्बैंड वाइफ हों, सेपरेटेड हों, तो आपके साथ जो है वो एक स्वीट होम देखते हैं ये पर्सन। यू आर सो ब्यूटिफुल, आई जस्ट लव योर स्माइल। तो इन्हें आपकी जो है वो स्माइल बहुत पसंद है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, इट्स हार्ड फॉर मी टू डिफाइन राइट एंड रॉन्ग। उन्हें कुछ सही और गलत में उनसे जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है, उन्हें किसी चीज़ में वो क्लैरिटी चाह रहे हैं और उसमें वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें इनसे गलत हुई हैं या आपसे गलत हुई हैं, या क्या चीज़ें वो जो हैं वो आपसे रिलेशनशिप बनाने के लिए किन चीज़ों को करें तो ये रिलेशनशिप जो है वो राइट डायरेक्शन पर आ जाए। वन मोर मैसेज, Do I mean anything to you? One more. ये पर्सन बहुत मिसिंग, इन पर्सन की एनर्जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, के पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। We complete each other. We are the one. आप दोनों एक दूसरे को जो है ना वो complete करते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, और आप ही एक वाहिद वो पर्सन हो जो इनको कंप्लीट करते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, और वो आपसे बॉटम की एनर्जी में है कि वो आप
को आपके साथ जो है ना वो अपने फ्यूचर को जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो थिंक कर रहे हैं कि आप जो है उनके फ्यूचर में उनके साथ हों और वो आपके साथ ही अपना जो है वो फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। ओके, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं हम, और क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। लास्ट में हम एक एंजल का भी आंसर ले लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। कास्ट या का कोई इशू आ रहा है आप लोगों के दरमियान में, कास्ट इशू है। ओके, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप उनकी ज़िंदगी में बेस्ट हैं। रीबिल्ड करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को दोबारा से, अगर आप लोग बातचीत में नहीं हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, सकता है जो उन्होंने पेन आपको दी हो। हमारे पास पहले भी एक कार्ड निकल गया है, वो उसकी ही के ऊपर जो है अभी तक उनकी फोकस है कि उन्होंने आपको जाने अनजाने में जो है ना आपको हर्ट किया ना, वो इसी एनर्जी में है कि बार बार रिग्रेट फील कर रहे हैं। आई कॉन्ट लेट यू गेट क्लोज टू मी, वो आपको अपने पास लाना चाहते हैं, आपके पास वक्त गुजारना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ओके, जैसा हमने भी देखा है स्वीट होम का। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आपके किसी सिग्नल का इंतज़ार करना चाह रहे हैं, उसका आपने ब्लॉक किया तो चाह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें, सिग्नल चाह रहे हैं आपसे कि आप उन्हें कोई सिग्नल जो है वो उन्हें दें, कोई पॉजिटिव सिग्नल दें ताकि वो जो है एक कदम आगे बढ़ के आपकी तरफ आपको अप्रोच करें। आप एक क्वेश्चन सोचें, हम एंजल से लेते हैं गाइडेंस लेते हैं कि वो हमें यस और नो में कुछ बताएं कि आपके लिए क्या है। आप क्वेश्चन अपने माइंड में सोचें तो हम एंजल से जो है वो एक मैसेज निकालते हैं, उसका जवाब क्या आता है आपके पास। कोई एक क्वेश्चन प्लीज़, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपने सोचने। इफ़ यू बिलीव का हमारे पास कार्ड निकल के आया है। ओके, आपको अपना बिलीव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, अगर आपने किसी भी चीज़ का कोई क्वेश्चन आपने किया है तो उसका आंसर ये है। ओके, इट्स आल्सो यस। ओके, इट्स आस अप टू यू कि आपके बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अभी के लिए इतने ही, ये मैसेज निकल के आए हैं एनर्जीज में, तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। ओके, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय।